नमस्कार, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, जो अपने केंद्रों पर एक दिन आपको विश्व स्तनपान सप्ताह मनाना, तो इस कार्यक्रम के दौरान कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग कैसे जवाब देंगे, मैं उसकी सारी जानकारी आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको कुछ सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा जब आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को पूरा कर लेते हैं। नॉर्मली आपसे कुछ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको सही सही देना है। तो चलिए कुछ पिक्चर के माध्यम से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विश्व स्तनपान दिवस मनाने का फ़ायदा क्या है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर हैं, जैसे कि 6 माह तक केवल स्तनपान माँ व शिशु दोनों के लिए वरदान है। जैसे कि स्तनपान के अनमोल फायदे, माँ और बच्चे दोनों को फायदे होंगे, जैसे कि माँ की सुरक्षा इन बीमारियों से हो सकती है, स्तन कैंसर से, अंडाशय कैंसर से, डायबिटीज से, रक्तचाप से, जोड़ों के दर्द, गठिया से। इस प्रकार की सुरक्षा माँ को हो सकती होगी अगर वो माँ अपने बच्चे को 6 माह तक केवल स्तनपान कराती है तो। और शिशु का सुरक्षा कैसे होगा, किन बीमारियों से होगा, जैसे कि निमोनिया से, कान में इन्फेक्शन से, उल्टी दस्त से, इस प्रकार की बीमारी से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी अगर वो बच्चा 6 माह तक स्तनपान करता है तो। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। प्रतियोगिता क्विज किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर देना है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और व्हाट्सएप में जाके मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछा जाएगा, जिसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल पर जो लोग भी नए जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो नए नए अपडेट हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल। बच्चे को स्तनपान कराने के लाभ क्या क्या हैं, जैसे कि बेहतर विकास और पोषण, माँ बच्चे के रिश्तों में मजबूती, बौद्धिक और मानसिक विकास में वृद्धि, दस्त एवं निमोनिया से होने वाले मृत्यु में कमी, मोटापा या अधिक वजन की कम संभावना, संक्रामक रोगों जैसे कि डायबिटीज़, हृदय रोग, अस्थमा, कुछ इस तरह के कैंसर का खतरा कम होता है अगर बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो। इससे जो अगला जो पिक्चर है, जैसे कि स्तनपान से जुड़े कुछ अफवाह हैं जो कि लोगों के दिमाग में भ्रम फैला हुआ है, जैसे कि दोबारा गर्भधारण करने पर स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यह बिल्कुल झूठ बात है, दोबारा गर्भधारण करने पर भी बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो WHO के मुताबिक जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, यानी कि 41% जो महिलाएँ ही बच्चे को जन्म से ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और 45% शिशुओं की मौत कुपोषण के कारण होती है। ये आंकड़े WHO के मुताबिक दिखाए जा रहे हैं। 0 से 6 माह स्तनपान कराने से नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और 6 से 12 माह तक स्तनपान के अलावा दाल का पानी, दलिया और चावल का माड़ देना जरूरी है। जैसे कि अगला पिक्चर है, स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। तो यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है, जैसे कि कभी झगड़ा होता है तो कोई बोलता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो मुझसे आके लड़, तो यही फायदा होता है बच्चे को माँ का दूध शुरू से ही 6 माह तक पिलाने से, वो बच्चा बहुत ही स्वस्थ रहता है। अगर माँ कोरोना संक्रमित हो जाए तो क्या बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, तो जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कोरोना संक्रमित माँ भी अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, यानी कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार, याद रहे प्रसव पश्चात 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना है, 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है, पानी भी नहीं देना है। 7वें माह से ऊपरी आहार आप लोग दे सकते हैं, ऊपरी आहार के साथ साथ स्तनपान कम से कम 2 वर्ष तक कराना चाहिए, शिशु को निमोनिया तथा दस्त से बचाता है, शिशु का समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, शिशु के वयस्क होने पर गैर संचारी रोग के खतरे को कम करता है,
तो जो इस प्रकार के आपको जो इमेज दिखाई, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको जो मैं लिंक आपको दिखा रहा हूँ, चलिए वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करके आपको पूरी डिटेल्स में समझाता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर देना है, जिससे कि आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि विश्व स्तनपान प्रतियोगिता के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो बी क्यूज़ लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद उधर से मैसेज आएगा, नमस्कार, बिहार 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहा है। हम चाहते हैं कि स्तनपान कराने वाले संदेशों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाया जाए। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर जो क्यूज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक टाइप करके सेंड कर देना है, तो इससे आप क्यूज़ में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैसेज आएगा, इंग्लिश के लिए ई लिखें और हिंदी के लिए एच लिखें, तो आपको एच लिख देना है और फिर इधर सेंड कर देना है। फिर उधर से मैसेज आएगा, रिपोर्ट पूरी तरह से स्वैच्छिक और नाम रहित मंच है, शुरू करने के लिए हमें आपके बारे में थोड़ा और जानने में मदद करें, कृपया हमें अपनी आयु बताएं, केवल संख्या दर्ज करें। तो जो सेविका दीदी हैं वो अपना एज डाल सकती हैं, और एज डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर मैसेज आएगा, आप मेल हैं तो पुरुष हैं तो एम टाइप कीजिए, और महिला हैं तो एफ़ टाइप कीजिए। तो आप लोग सेविका हैं तो आपको एफ़ टाइप कर देना है और सेंड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके ज़िले का नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग जिस ज़िले से हैं वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप किसके साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, जीविका, ICDS दो नंबर पे दिया गया है, तो आपको केवल दो नंबर लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक मैसेज आएगा, किसी एक को चुनें, अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं या LS हैं या अदर हैं तो आपको इसमें चुनने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको AWW पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि एक नंबर सेलेक्ट करके आपको डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है, क्या आपके परिवार में 2 साल से कम बच्चा है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जा रहा है, आप हाँ या नहीं कर सकते हैं। हाँ करेंगे तो आपसे कुछ और पूछेगा, और नहीं करेंगे तो आपको सीधे क्वेश्चन आंसर पे ले जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हाँ करके देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या आप एक माता या पिता या अन्य हैं, तो आप अगर नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा क्यूज़ में क्वेश्चन आंसर के लिए। और यहाँ पे हाँ करते हैं तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है और सेंड कर देना है। उसके बाद अब शुरू होता है आपका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, शिशु को स्तनपान कब से शुरू कराना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार की सुविधा के अनुसार, जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्द हो सके, जन्म के अगले दिन, बच्चे की पूजा पाठ होने के बाद। तो आपको इसमें से 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बच्चा है वो जन्म के बाद से ही उसको दूध स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, इसके लिए आपको 2 सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उधर से आया सही जवाब, तो यानी कि आपका जवाब सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, शिशु के लिए हानिकारक है, शिशु के लिए अपर्याप्त होता है, शिशु के लिए अमृत समान है, शिशु को देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें से जो सही जवाब है वो शिशु के लिए अमृत समान है, तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे। फिर से उधर से जवाब आ गया कि ये जवाब आपका सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया, शिशु माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में पी रहा है, इसकी पहचान आसानी से कैसे की जा सकती है। तो इसमें फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिशु स्तनपान के समय या बाद में रोए नहीं, शिशु को 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब होती है, शिशु का वजन नहीं बढ़े,
स्तनपान कराने में माँ को स्तनों में दर्द हो, तो यहाँ पे जो सही जवाब है, शिशु को 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब होना, यानी कि इसका मतलब है कि जो बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है तो उसको 6 से 8 बार पेशाब हो रही है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंड कर देना है। सही उत्तर का जवाब आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे उसका जो डिफिनेशन दिया गया है आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या शिशु को फार्मूला दूध पिलाने से कोई नुकसान होता है? बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको अलग से दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको 1 सेलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। तो यहाँ पे सही का जवाब आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि माँ कोरोना से संक्रमित अथवा संदिग्ध हो तो क्या प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को माँ के संपर्क में रखा जा सकता है और स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया था, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ को कोरोना संक्रमित हो जब भी जाती है तो उस बच्चे को स्तनपान कराते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है, यानी कि 1 नंबर सेलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। देखिए उधर से आ गया सही जवाब। फिर अगला क्वेश्चन आएगा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि माँ कोरोना से संक्रमित अथवा संदिग्ध हो तथा स्तनपान नहीं करा पाती है तो माँ को क्या करना चाहिए? पहला दिया गया है, माँ अपने दूध को निकाल कर कटोरी और चम्मच से पिला सकती है, बोतल से पिला सकती है, बाज़ार में उपलब्ध बंद डिब्बा वाले दूध पिलाना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, 2 और 3। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि माँ कोरोना संक्रमित या अथवा संदिग्ध हो स्तनपान नहीं करा रही है तो वो अपने बच्चे को कटोरी में दूध निकाल के वो चम्मच से पिला सकती है। तो इसके लिए आपको 1 पे सेलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। उधर से फिर आ गया सही जवाब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर दूध वाली बोतल को सावधानी से साफ किया जाए तो क्या शिशु को बोतल से दूध पिलाया जा सकता है? यहाँ पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो जब बच्चे की माँ को दूध हो रहा है तो उसको बोतल से साफ किया जाए या ना किया जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सेलेक्ट करना है 2 नंबर और इसको कर देना है सेंड, क्योंकि और देखिए उधर से सही जवाब आ गया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, शिशु को सिर्फ स्तनपान कब तक कराना चाहिए? पहला है कभी नहीं, 4 माह की उम्र तक, 6 माह की उम्र तक, 1 साल की उम्र तक। इसमें से कौन सा सही जवाब है, यानी कि 6 माह की उम्र तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, उस पर क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। उधर से फिर आ गया सही जवाब। फिर अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने से किसे लाभ है? किसी को लाभ नहीं है, माँ और बच्चे दोनों को बहुत लाभ है, सिर्फ माँ को लाभ है, सिर्फ बच्चे को लाभ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि दूसरा ऑप्शन है वो जो सही है, क्योंकि बच्चे को और माँ को दोनों को स्तनपान कराने से लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। सही जवाब आ गया उधर से। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, स्तनपान कब तक जारी रखना चाहिए? जब तक शिशु भोजन की शुरुआत न करे, जब तक माँ की इच्छा करे, केवल 2 साल तक, कम से कम शिशु के 2 साल होने तक। तो ये 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि शिशु को कम से कम 2 साल होने तक स्तनपान कराते रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। सही का जवाब आ गया। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, यदि माँ की सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो क्या स्तनपान की तुरंत शुरुआत संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कराना ज़रूरी है। इसके लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है, यानी 1 नंबर पे क्लिक करके और सेंड कर देना है। तो देखिए उधर से इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, कि आपने सही जवाब दिया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन,
शिशु को ऊपरी आहार कब शुरू करना चाहिए? शिशु जब मांग करे, जब माँ या परिवार की इच्छा करे। बच्चे के 6 महीने 180 दिन पूरे होने पर जब शिशु स्तनपान करना बंद कर दे, तो यहाँ पे 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि शिशु के 6 महीने के बाद उसको ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए, ना कि परिवार की इच्छा के अनुसार या शिशु जब मांग करे। इसके ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ सेंड कर देना है। यदि बच्चे को सिर्फ स्तनपान नहीं कराया जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल माँ, और दूसरा में है माँ व अन्य परिवारजन। तो स्तनपान नहीं कराया जाना है, ये माँ और जो परिवार के लोग हैं वही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि जो बच्चा है उसको स्तनपान कराना बेहद ज़रूरी होता है, इसके लिए दोनों जिम्मेवार होंगे, परिवार के लोग भी और माँ भी। तो यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। देखिए जवाब आ गया, बहुत अच्छा। क्या गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला कोविड-19 का टीका लगवा सकती है? तो जी हाँ, WHO के मुताबिक अब जो है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ हाँ पे क्लिक करना है, यानी 1 नंबर सेलेक्ट करके और सेंड कर देना है। देखिए उधर से फिर जवाब आया, हाँ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कोविड-19 टीकाकरण ले सकती है। जो मैसेज है वो आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या माँ को गर्मी के दिनों में सिर्फ बिना पानी के स्तनपान जारी रखना चाहिए? तो गर्मी के दिनों में भी माँ को अपने बच्चे के लिए स्तनपान जारी रखना चाहिए, इसके लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है, यानी 1 नंबर सेलेक्ट करना है आपको और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए उधर से जवाब आ चुका है, हाँ माँ को सिर्फ स्तनपान जारी रखना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त पानी होता है जो बच्चे की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है, चाहे मौसम कोई भी हो। तो देखिए उधर से और भी मैसेज आ रहे हैं, आपने प्रश्नोत्तरी पूरी कर ली है, बधाई हो, आपका स्कोर 15 में 15 क्वेश्चन आपने सही जवाब दिया है, इसका अर्थात आपने 100% इसका जवाब सही दिया है। अब यहाँ पे बता रहा है प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए D दबाएं, दूसरों के साथ इस संदेश को साझा करें। तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए D टाइप करना है और सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बधाई हो, न्यूट्रीचैम्प की ओर से आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्राप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रीचैम्प की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया है यूनिसेफ की तरफ से, और यहाँ पे बता रहा है, नमस्ते मित्रों, मैंने स्तनपान पर एक प्रश्नोत्तरी ली है, आप भी इस लिंक का उपयोग करके क्विज ले सकते हैं। जो ये लिंक दिया गया है, यानी कि आपको ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है, और भी जो महिलाएं हैं, जो सेविकाएं हैं, वो भी इस क्विज़ के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और इससे अपनी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सेविकाओं के साथ, अन्य सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रतियोगिता की हिस्सा बन सके। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।